आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द इलेक्ट्रिकल गुरु। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि एक 5 पिन और एक स्विच और एक इंडिकेटर का वायरिंग कैसे किया जाता है। देखिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, मेरा इंडिकेटर है उसमें 2 टर्मिनल है, और जो मेरा स्विच है वो भी 2 टर्मिनल का है, और जो 5 पिन है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देख रहे हैं आप स्विच, इससे 5 पिन का ऑन ऑफ करने का जोड़ना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अर्थिंग का भी पॉइंट हमको देना है, क्योंकि इस बोर्ड से फ्रिज, एसी, कूलर जो कुछ चल सके वो चलाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक छोटा सा रेड कलर का वायर का टुकड़ा लूँगा, जो एल यानी कि लाइन से जोड़ा जाएगा, और लाइन पे जोड़ने के बाद उसे स्विच है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे एक हिस्से को जोड़ेंगे हम, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर के सहारे मैं जोड़ रहा हूँ, और जोड़ने के तुरंत बाद हम एक ब्लैक कलर का वायर का टुकड़ा लेंगे, जो कि न्यूट्रल एन पर जोड़ा जाएगा, और वहाँ पे जोड़ने के बाद स्क्रू ड्राइवर से हम पूरी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि स्पार्क ना कर सके। उसके बाद हम देख करके एक हिस्से को चले जाएंगे इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल पे, क्योंकि इंडिकेटर जलाने के लिए भी न्यूट्रल का आवश्यकता पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये भी हम यहाँ पर केबल भी कस चुके हैं। उसके बाद मैं एक रेड कलर का वायर का टुकड़ा लूँगा, छोटा सा, अब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर जोड़ दिया, और उसके बाद जो एक हिस्सा है उसको हम इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ दे रहे हैं। और वहाँ पे जोड़ने के बाद मेरा बोर्ड का वायरिंग फाइनल हो चुका है, और इसमें से 3 केबल निकालना है हमको, न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे भी जोड़ा जा सकता है न्यूट्रल का तार, और 5 पिन में जो ब्लैक वायर है वहाँ पर भी जोड़ा जा सकता है, या बीच में भी कहीं पे कट करके वहाँ पर भी केबल जोड़ा जा सकता है। तो हम कट नहीं करके हम 5 पिन में जो न्यूट्रल का जो केबल जोड़ने का एडेप्टर दिया है वहीं पर जोड़ रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स। और जो भी हम केबल कसेंगे वो लूज नहीं कसेंगे ताकि स्पार्क ना कर सके। वो बहुत सारे परेशानी आती है जब केबल लूज कसा जाता है तो तार स्पार्क करता है। तो ये मेरा न्यूट्रल बाहर निकल गया, न्यूट्रल ये बोर्ड का न्यूट्रल है, और उसके बाद उतना ही बड़ा, जितना बड़ा ब्लैक वायर है उतना ही बड़ा एक रेड कलर का वायर का टुकड़ा लेंगे, और उसको हम स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल में भी जोड़ सकते हैं, या इंडिकेटर के ऊपर वाला टर्मिनल पे भी जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया, और वो मेरा फेस हो गया, मेरा इस बोर्ड का फेस हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद अर्थिंग का एक पॉइंट बचा है, तो अर्थिंग का पॉइंट हम ग्रीन हरा तार लगाएंगे। तो हरा तार मैंने देखिए अर्थिंग के जगह पे स्क्रू ड्राइवर के सहारे कस लिया, और उसके बाद देखिए मेरा वायरिंग फाइनल हो चुका है, और बोर्ड से हमको 3 केबल को बाहर निकालना है बोर्ड के पीछे वाले ढक्कन से। तो मैंने बोर्ड को पीछे वाला हिस्सा को लूँगा, और उसके बाद हम उस बोर्ड के पीछे वाले हिस्से से निकाल देंगे, और फिर देख लेंगे कि सभी केबल जो कसा हुआ है स्ट्रॉन्ग कसा हुआ है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कवर में लगा लिया, पीछे वाले कवर में जो दोनों स्क्रू है उसके स्क्रू ड्राइवर से हम टाइट कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड लूज नहीं रहेगा, और चार्जर या प्रेस वगैरह लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमको इस बोर्ड को चेक करना है
कि बोर्ड कैसा कार्य कर रहा है। तो चेक करने के लिए फ्रेंड्स इसमें मैं बोर्ड में सप्लाई दे दिया हूँ। उसके बाद सप्लाई देने के बाद देखिए इंडिकेटर भी जल रहा है। उसके बाद मैं एक टेस्टर लूँगा, टेस्टर के सहारे इस बोर्ड को चेक कर रहा हूँ। देखिए मेरा टेस्टर ग्लो कर रहा है, उसके बाद मैंने स्विच को ऑफ कर दिया। उसके बाद देखिए मैं टेस्टर लगा रहा हूँ तो ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरा स्विच भी कार्य कर रहा है। उसके बाद मैंने स्विच को ऑन किया, उसके बाद टेस्टर भी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि बोर्ड मेरा बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। देखिए तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेलेक्ट कर दें।